नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे समस्यात्मक बालकों की। समस्यात्मक बालक यानी कि वो बालक जिनमें कुछ जिनका व्यवहार बाकी सामान्य बच्चों से असामान्य होता है, कुछ विशेष होता है, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना या कुछ अलग प्रकार की उनमें गंभीर विशेषता पाई जाती है। जो मनोवैज्ञानिक वैलेंटाइन है उनके अनुसार समस्यात्मक बालकों शब्द का प्रयोग साधारणता उन बालकों के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। मतलब जिनका व्यवहार बाकी बच्चों से के जैसा नहीं होता है, कुछ उनमें अलग और असामान्य होता है, वे बालक समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। आप जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सीटेट, टेट या लिखित परीक्षा, अक्सर इस टॉपिक से प्रश्न उठा दिए जाते हैं। आपके सामने एक सिचुएशन दी जाती है और पूछा जाता है कि आप इस सिचुएशन से किस तरह से बाहर आएंगे या इस तरह के बच्चे को किस प्रकार से हैंडल करेंगे, किस प्रकार से डील करेंगे। तो अगर इस तरह के प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं तो पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि समस्यात्मक बालकों की जब हम उनके साथ में डीलिंग करते हैं या उनको सुधारने की कोशिश करते हैं, अगर वो हमारी क्लास में हैं, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन बातों को अवॉइड करना चाहिए। अगर हमको ये पता है तो प्रश्न जो भी हमसे पूछा जाए हम आसानी से उसका उत्तर दे पाएंगे। तो आइए देखते हैं समस्यात्मक बालकों की शिक्षा में किस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए, उनके माता पिता को किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, ताकि अगर क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका छूटे ना, गलत ना। समस्यात्मक बालकों को शारीरिक दंड न देकर मनोवैज्ञानिक उपायों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कभी भी समस्यात्मक बालकों में अगर वो गलती करते हैं तो उसको उनके लिए गंभीर शारीरिक दंड नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक उपाय करने चाहिए जिससे उनकी समस्या का हल किया जा सके। सॉरी, उनको शारीरिक दंड देने से उनमें उद्दंडता और बढ़ती है और जो भी समस्या उनकी है वो और गंभीर रूप से हमारे सामने आ सकती है। इसलिए उनको शारीरिक दंड ना देकर मनोवैज्ञानिक उपायों से उसका उपचार करना चाहिए। माता पिता का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। समस्यात्मक बालक जो होते हैं उनके माता पिता और शिक्षकों को खास तौर से ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके साथ माता पिता का रवैया या शिक्षकों का रवैया सहानुभूतिपूर्ण हो। हर समय उनको डांटना, फटकारना, हर एक के सामने उनको बेइज्जत करना, ये रवैया माता पिता को बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए। इससे समस्यात्मक बालकों की समस्याएँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उनमें एक अजीब प्रकार की जिद का जन्म होता है, वो जिद्दी हो जाते हैं और उनकी जो भी समस्या होती है वो और गंभीर रूप लेती चली जाती है। इसलिए बच्चों को सावधानी से समझाना चाहिए, धीरे से मतलब उनकी समस्या का हल निकालना चाहिए और उनकी समस्या का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए, हर एक के सामने उनको डांटना शुरू नहीं करना चाहिए, ताकि बच्चे में कहीं ना कहीं ये डर बना रहे सामाजिक रूप से कि अभी अगर हम इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये चीज़ समाज में फैल सकती है। अगर उसको पहले ही समाज में फैला देंगे तो बच्चे के अंदर से वो डर ख़त्म हो जाएगा, वो और ज़्यादा निडर हो जाएगा गलत काम करने के लिए। मूल प्रवृत्तियों का दमन नहीं किया जाना चाहिए। बच्चों की जो भी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं उनका दमन करना बच्चों में समस्याओं को जन्म देना होता है। इसलिए बच्चों की जो मूल प्रवृत्तियां हैं, जिस भी बालक की जो मूल प्रवृत्ति है उसका दमन नहीं किया जाना चाहिए। दोष, अगर इस तरह का कोई दोष हो तो उसका मनोवैज्ञानिक तौर पे चिकित्सा किया जाना चाहिए। अच्छे कार्यों के लिए
प्रोत्साहन व पुरस्कार देना चाहिए। हर प्रकृति में कोई भी चीज़ है तो उसमें दोनों दोनों पहलू होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाई ज़रूर होती है, हर बालक में कोई ना कोई गुण जरूर होता है। ज़रूरत होती है उसको पहचानने की और पहचान कर सामने लाने की और उसको बढ़ाने की। समस्यात्मक बालकों में भी ऐसे गुण जरूर पाए जाते हैं और उन गुणों के विकास के लिए उनको पुरस्कार और प्रोत्साहन देना बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी चीज़ के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं और पुरस्कार देते हैं तो वो गुण निखर कर उनके व्यक्तित्व में शामिल हो जाता है। तो अगर इस तरह के बालक कोई अच्छा काम करते हैं तो उसको कभी भी निग्लेक्ट ना करके पुरस्कृत किया जाना चाहिए, उनको नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। और यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि नैतिक शिक्षा सिर्फ काग किताबी ना होकर उनको क्योंकि बच्चे अपने आसपास की हर चीज़ से सीखते हैं, हर चीज़ से बच्चे ग्रहण करते हैं, तो उनके आसपास का वातावरण ही ऐसा होना चाहिए जो उनको एक पॉजिटिव शिक्षा दे। अगर माता पिता घर में बैठकर किसी झूठ की तैयारी कर रहे हैं, चोरी की बातें कर रहे हैं और बच्चे को किताबी तौर पर ये सिखाया जा रहा है कि झूठ बोलना पाप है, तो उसके व्यवहार में ये कभी नहीं आएगा। तो माता पिता को ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो सभी बालकों के लिए ये चीज़ लागू होती है और समस्यात्मक बालकों में बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उनके आसपास के वातावरण को शुद्ध बनाया जाए, नैतिकता का उनको पाठ पढ़ाया जाए, अपने व्यवहार में उनके सामने कोई ऐसी चीज़ ना आने दी जाए जो जिससे वो निगेटिविटी को ग्रहण कर सकें। बालकों की बाहरी संगत पर ध्यान दें। घर के अंदर तो आप बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार दे रहे हैं, बहुत अच्छी बातें सिखा रहे हैं, बहुत बहुत उसके साथ में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर बच्चे की बाहर की संगत खराब है तो वो आपकी सारी मेहनत को मिट्टी में मिला सकती है। इसलिए माता पिता या टीचर्स भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चे की संगत है वो गलत ना हो। अगर आपको लगता है कि ऐसा बच्चा किसी गलत संगत में फंस गया है या उसकी संगत गलत है तो उसको धीरे से वहाँ से निकाल लेना चाहिए। हमेशा समस्यात्मक बालकों में ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कभी उनको ये एहसास ना हो कि उनसे ज़बरदस्ती कुछ कराया जा रहा है। उनको सिर्फ समझाया जाना चाहिए, उस तरफ से ले जाना चाहिए, लेकिन बच्चे को ये एहसास होना चाहिए कि उसे पता है और वो जो कर रहा है वो, क्योंकि बच्चे सोचते यही हैं, तो बच्चों को ये एहसास ना हो कि आप उससे कह के करवा रहे हैं। बच्चा आप उसको समझाइए और बच्चे को स्वयं निर्णय लेके पीछे हटने दीजिए। डांट कर ये वहाँ मत जाओ से अच्छा है कि वहाँ की अच्छाइयाँ बुराइयाँ बताकर कुछ उत्तरदायित्व उस पर छोड़ के उससे उस तरह की बातें करके भावनात्मक रूप से उस पर दबाव डाल के आप उसको वहाँ से हटाएं। मनोरंजन व उपयुक्त व उचित मनोरंजन का उपयुक्त और उचित अवसर प्रदान करना चाहिए। बच्चों में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और वो एनर्जी अगर पॉजिटिव जगह नहीं लगाई जाए तो वो अक्सर नेगेटिव जगह लग जाती है और यही समस्याओं का कारण बनती है। तो मनोरंजन बच्चों का कहीं ना कहीं इस तरह का होना चाहिए कि वो अपनी एनर्जी उसमें लगा सकें और उससे कुछ सीख सकें। सारा टाइम बच्चा पढ़ नहीं सकता है, बच्चे के दिमाग को बढ़ाने के लिए उसको उपयुक्त और उचित मनोरंजन के अवसर जरूर प्रदान करने चाहिए। परिवार व विद्यालय में परस्पर सहयोग। बालकों के विकास के लिए जितना भूमिका माता पिता की होती है, टीचर का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर ये दोनों परस्पर सहयोग करके आपस में बात करके बच्चों की समस्या का निदान करने की कोशिश करें तो रास्ता और आसान हो जाता है। तो शिक्षकों को और परिवार को एक सहयोग की भावना से मिलकर उस बच्चे की समस्या का निदान करने की कोशिश करनी चाहिए। पाठ्यक्रम संतुलन। पाठ्यक्रम जो भी ऐसे बच्चों को जो भी पाठ्यक्रम दिया जाता है वो उन पे बोझ की तरह नहीं डाला जाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा हो सकता है ये उनको थोड़ा कम काम दे, पाठ्यक्रम वो कम समझ पाए तो उनको थोड़ा बाकी सामान्य बच्चों से कम पढ़ाया जाए, उनका पाठ्यक्रम कम रखा जाए।
धीरे 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 जब उनकी नकारात्मक जो ऊर्जा व्यय हो रही है उसको वहां खत्म करके यहाँ पर मोड़ कर लाना ही शिक्षक का काम है। क्योंकि समस्यात्मक बालकों में ऊर्जा तो होती है लेकिन वो गलत तरफ व्यय हो रही होती है, उसको मोड़कर पॉजिटिव दिशा में लाने के लिए पहले पाठ्यक्रम का बोझ कम रखिए, उसको धीरे धीरे उसकी समस्या को समझिए, उसको हल करने की कोशिश करिए और फिर उसकी जो भी ऊर्जा उधर जा रही है उसको धीरे से सही दिशा में डाइवर्ट करने की कोशिश करिए। बहुत ज़्यादा बोझ से बच्चे ऊब जाएंगे और वो बिल्कुल ही पढ़ाई छोड़ देंगे। पाठ्यक्रमांतर क्रियाएं, ऐसे बच्चों को पाठ्यक्रमांतर क्रियाओं में खेल कूद प्रतियोगिताओं में बहुत ज़्यादा अगर प्रोत्साहित किया जाता है तो वो इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। तो ऐसी प्रतियोगिताएं, ऐसी पाठ्यक्रमांतर क्रियाएं खेल कूदों में कूद में उनको समझा कर उसमें शामिल होने के लिए तैयार करना चाहिए। अगर वो नहीं तैयार हो रहे हैं तो उनको समझाना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। अनुशासन की भावना जागृत करने के लिए उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य सौंपे जाएं। बालकों को अगर उत्तरदायित्व पूर्ण आप कार्य सौंपते हैं तो वो उसको बहुत खुशी से और जिम्मेदारी से निभाते हैं। समस्यात्मक बालकों को भी जब उनके लायक जो भी उनके हिसाब के हैं काम, ऐसे उत्तरदायित्व के काम सौंपे जाते हैं तो उनका मन कहीं ना कहीं ऐसे कामों में लगता है, बिजी होता है। दूसरी चीज़, ऐसे कामों को करने के बाद जब उनको शाबाशी मिलती है, जो प्रोत्साहन मिलता है वो उनके लिए बहुत पॉजिटिव रहता है और उनको कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं से उबरने में सहयोग करता है। व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी चाहिए। बालकों की जो भी व्यक्तिगत आवश्यकताएं होती हैं माँ बाप को, शिक्षकों को, उनका ध्यान रखकर उनको पूरा करना चाहिए ताकि उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बच्चा कोई भी गलत मार्ग को ना चुने। अध्यापक का मधुर व सहयोगात्मक व्यवहार, अध्यापक का मधुर और सहयोगात्मक व्यवहार। कई बार ऐसा देखा जाता है कि ऐसे समस्यात्मक बालकों के साथ शिक्षकों का जो व्यवहार होता है वो बहुत ही द्वेषपूर्ण होता है। टीचर्स उनसे चिल्लाते हैं, उनको अधिक पनिश करते हैं, उनको पढ़ने के लिए नहीं कहते हैं, उनको क्लास से बाहर खड़ा कर देते हैं। इस तरह से बच्चों की समस्या का समाधान नहीं होता है, समस्याएं बढ़ती हैं। बच्चों, अध्यापकों को चाहिए कि ऐसे बालकों के साथ वो सहयोग करें, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करें, क्लास में उनको वो भी क्लास में है और क्लास में उनका भी महत्व है, उनको ऐसा प्रतीत कराएं, जो भी उनकी खूबी हो उसको सामने लाएं, उसको प्रोत्साहित करें, सारे बच्चों के सामने उनकी अच्छी बातों को लाएं और उनको ये समझाएं कि ठीक है अगर कोई समस्या है तो उस समस्या का हल हो जाएगा लेकिन आप में ये अच्छाई भी है। तो टीचर्स का जो सहयोगात्मक रवैया होता है वो ऐसे बालकों को समस्या में से उबारने के लिए बहुत ज़रूरी होता है और इससे बच्चे बहुत जल्दी ही अपनी समस्याओं से ऊपर आ सकते हैं। बालकों की आवश्यकता, परिस्थिति व क्षमता के अनुरूप गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ऐसे समस्यात्मक बालकों की समस्या समझकर जितनी उनकी क्षमता हो, जितना उनके लिए ज़रूरी हो उसी तरह का उनको गृह कार्य दिया जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा गृह कार्य जिसको वो बोझ समझकर ना करें, चिड़चिड़ाएं नहीं दिया जाना चाहिए, या अगर उनमें करने की क्षमता है तो उनको बहुत कम नहीं, इतना गृह कार्य दिया जाना चाहिए कि वो आराम से उसको करें। तो ये थे कुछ उपाय जो समस्यात्मक बालकों के साथ व्यवहार करते टाइम ध्यान में रखे जाने चाहिए। दोस्तों, अगली बार अगले वीडियो में फिर बच्चों की किसी एक समस्या के साथ हम हाजिर होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को। एक बटन टच करना होता है, लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुँच सके। धन्यवाद।